हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि डेली व्लॉग। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि जो देवकी नंदन ठाकुर जी है वो दिल्ली आए हुए हैं द्वारका मोड़। और द्वारका, अगर मैं आपको प्रॉपर एड्रेस बताऊं तो द्वारका मोड़ से पहले ही विपिन गार्डन पड़ता है। और वहाँ पे छठ पूजा स्थल है एक, तो वहाँ पे भागवत गीता का आयोजन चला हुआ है। भागवत कथा वो सुना रहे हैं, और ये जो भागवत कथा है वो 8 तारीख तक वो सुनाएंगे वहाँ पे। तो बड़ी ही मुश्किल से आज हमें टाइम मिला है वहाँ जाने का, क्योंकि घर में गेस्ट भी आए हुए थे लेकिन मम्मी थी तो मम्मी ने संभाल लिया। तो वहीं से, और बचपन से तो नहीं लेकिन 10th क्लास के बाद से मैंने सुना है उनको, मम्मी सुनती है, उन्हीं की भागवत सुनती है ज़्यादातर। तो लेकिन ये नहीं हुआ था कभी कि मैं उनको बाय फेस देखूंगी, उनकी कथा सुनूंगी। बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी मैं दिखा सकूँ उनको बिल्कुल पास से। तो बने रहे मेरे साथ मेरे व्लॉग में, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भागवत कथा, जो कि सुनाएंगे देवकी नंदन ठाकुर जी। और फ्रेंड्स, टाइम हुआ है अभी दोपहर के 1:04, और 1 बजे शुरू हो जाती है कथा वहाँ पे, 1 से 4 बजे तक चलती है, शाम 4 बजे तक चलती है। लेकिन ना पीछे नजफगढ़ में जाम लगा हुआ था, उस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बस पहुँचने ही वाले हैं। और वहीं जाके देखते हैं कितना क्या भीड़ है वहाँ पे, कहाँ नंबर पड़ता है, आगे बैठते हैं या फिर पीछे नंबर पड़ेगा हमारा। जैसा भी होगा सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज मैं। और ये देखिए रोड बिल्कुल साफ है अभी, तो बस फटाफट जा रहे हैं हम भी, बस जाम ना मिले अब आगे हमें कहीं पे। और ये देखिए बस आ गए हैं हम, बोर्ड आपने देखा होगा, बोर्ड लगा हुआ था राइट हैंड में। और ये देखो ये छोटा सा भी लगा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको भी अगर आप चाहते हैं आना। हमारी एंट्री बस होने वाली है यहाँ से, और दो साइड गेट लगा हुआ था तो हम यहाँ पे बैक साइड से आए हैं अंदर। और ये बोल रहे थे कि दूसरी तरफ से अगर आते तो थोड़ा पार्किंग में हमें प्रॉब्लम होती, गाड़ी को लगाने में प्रॉब्लम होती, और यहाँ से अच्छी फैसिलिटी है गाड़ी लगाने में, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, तो आराम से गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके और हम जाएंगे। तो ये, और ये देखिए हम आ गए हैं अंदर। और यहाँ पे ना आज ये हुआ कि हमारा जो आगे से गेट होता है, जो कार्यकर्ता है यहाँ पे बने हुए हैं, जो मेंबर बने हुए हैं, वहाँ से हमारी एंट्री हो गई आज। और ये है सारी राधा रानी की कृपा, जो हमें यहाँ से एंट्री मिल गई है, और आगे ही हमारा नंबर पड़ा है बिल्कुल बैठने में, ज़्यादा आगे तो नहीं लेकिन बहुत ही अच्छे ही हमें सीट मिली है आज बिल्कुल, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी जब तक हम आए, क्योंकि जाम की वजह से ना काफ़ी देर हम नजफगढ़ में ही फंस गए थे, तो एकदम ओके सीट मिली है। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ, ये देखिए सिर्फ मेरे से आगे इतने ही, मतलब 20 से 30 कह लो, इतने बंदे बैठे हुए थे और फिर मेरा नंबर था। और उसके बाद आप देख सकते हो दूर तक कितनी जनता है, रैलिंग लगाई हुई है, रैलिंग के आउटसाइड हैं सारे जितने भी बैठे हुए हैं, और ये जो आगे बैठे हुए हैं ये सारे कार्यकर्ता हैं, ये इन सभी को यहाँ पे सीट मिली हुई, तो यहीं पे हमारा भी नंबर पड़ गया, तो ये काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। और अभी जो भी गुरुजी कथा सुनाएंगे वो भी मैं आपको बीच बीच में उसका भी मतलब सुनाऊंगी, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करूंगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना ये बिल्कुल जो म्यूजिशियन थे, म्यूज़िक सिस्टम यहीं पे लगा हुआ था, और जस्ट पास में ही हम भी बैठे हुए थे, और यहाँ से बहुत ही अच्छे से हमें दर्शन हो रहे थे देवकी नंदन महाराज जी के। और कैमरामैन भी यहीं पर लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सीट हमें मिली है आज। और ये प्रॉब्लम तो आजकल सबके ही, यहाँ बच्चे तो गोद में ही रख के भोजन करते हैं, जिनका मोट तो जो पेट जरा थोड़ा सा आगे निकल आए तो पेट पे ही रख के खा लेते हैं। सच्ची पेट पे रख के, और यो हिला ही नहीं जाता, वहीं रखा रखा पा लेते हैं, वो गलत है। गोद में रखकर जो भोजन करते हैं वो नरक में जाते हैं, और जो
पलाश के आसन पर बैठते हैं और तेदू की लकड़ी का दांतुन करते हैं तथा उषा काल में सोते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति नरक में जाते हैं। इसलिए उषा काल में सोना नहीं चाहिए और पलाश की लकड़ी के आसन पर नहीं बैठना। जिसकी हम बात कर रहे थे, हमने बताया था आपको कि हम बैक गेट से आई हैं और अभी ये देखो यहाँ पे ना पूरी फैसिलिटी इन्होंने दी हुई है, जैसे कि जूता रखने की जो फैसिलिटी होती है वो भी यहाँ पे है। और मेरे को आपको फ्रंट गेट दिखाना था इसलिए मैं यहाँ आई। था सुनने के बाद द्वारका से जा रहे हैं सीधा घर और भीड़ काफ़ी है इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया वहाँ से निकलने में। और जो देवकी नंदन महाराज जी हैं वो पूरे 7 साल बाद दिल्ली आए हैं कथा कहने के लिए, तो अभी बस हम निकले हैं और देखते हैं बस नजफगढ़ में जाम ना लगे, फिर तो सीधा खाली रोड मिलेगा हमें। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है गुरुजी ने हमें कथा के बीच में, जो कि आप देख चुके हैं मेरे व्लॉग में, और ऐसे ही व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, कभी फैमिली से रिलेटेड तो कभी हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड। तो हर टाइप के जो व्लॉग हैं वो मैं आपके लिए बनाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी, तो उसके लिए बने रहे हमेशा मेरे साथ मेरे व्लॉग में और मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।